वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारी एक दर्शक है मीनाक्षी पटेल, इन्होंने मेल किया था। इन्होंने लिखा है कि हाउ टू क्योर एसिड रिफ्लक्स, इस पर कोई एपिसोड करें। मीनाक्षी जी, एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए हमें पहले तो कुछ प्रिकॉशन लेने ज़रूरी हैं। देखिए, एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर जो जूस छोड़ता है, जो काफ़ी एसिडिक होते हैं, जब वो जूस हमारा यहाँ पर आ जाता है, गले तक आ जाता है कई बार, तो काफ़ी प्रॉब्लम करता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार लोगों को देखा गया है कि उनका गला तक जलने लगता है, एसिड रिफ्लक्स होकर ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि हमारा जो एसिड निकल रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप दिन में पिए। दिन भर में अगर 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आप खाना खा रहे हैं उसके छोटे छोटे कौर लें, छोटी छोटी बाइट्स लें और उसको खूब चबा कर खाना है। जब आप खाना चबाते हैं तो खाने में सलाइवा मिलता है। जितना ज़्यादा सलाइवा आपके भोजन में जाएगा, आपके भोजन के साथ जाएगा, एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। इसके साथ ही स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। तला, डीप फ्राइड, मसालेदार खाना अगर आप खाते हैं तो आपको एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह का खाना कम से कम खाएं, कभी कभार खा लिया, स्वाद के लिए खाएं बस इस तरह का खाना। लोग आजकल फास्ट फूड की तरफ, नॉर्मल डाइट में भी, अपने नॉर्मल डेज में भी फास्ट फूड खा लेते हैं तो उनको एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल के साथ स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, नहीं तो आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आनी है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के साथ अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, स्मोकिंग और अल्कोहल का, तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज़ तो आप एक काम करें, अल्कोहल अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो उसको लिमिट में कर दें और उसके साथ स्मोकिंग ना करें। और कोशिश करें कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वो भी आपके एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। दूसरा एक प्रयोग आप और कर लें, जो आपका पलंग है उसको 6 इंच एलिवेट कर लें। यानी कि ये एलिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप तकिया लगा लें, आपको जो पलंग के नीचे पैकिंग देनी है, लगभग 6 इंच की पैकिंग दे तो पलंग आपका थोड़ा सा एलिवेट रहेगा, तो उससे भी एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम में थोड़ा रिलीफ मिलता है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपका जो डिनर है वो आपके सोने से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप 12 बजे सोते हैं तो लगभग 9 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लें, और डिनर लाइट से लाइट लें, हल्का खाएं, जितना ज़्यादा हो सके सूप, सैलेड, इस तरह की चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे डिनर में। आप लंच हैवी ले लें भले ही, और लेकिन डिनर एकदम हल्का रखें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ का और ध्यान रखें, एट ए टाइम ढेर सारा खाना ना खाएं, 2-2 घंटे में एक हैंडफुल खा लें आप। थोड़ा थोड़ा खाना हर 2 घंटे में अगर आप खाते रहेंगे तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और कर सकते हैं आप, खाना खाने से पहले आधा कप एलोवेरा जूस का सेवन, ये भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ देगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आंवले के जूस का आप प्रयोग कर लें। आधा कप एलोवेरा जूस में आधा कप आंवले का जूस मिला लें, और इन दोनों का अगर आप सेवन करेंगे तो भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में आपको बहुत रिलीफ देगा। खूब पके हुए केले का सेवन करें आप, ये एक नेचुरल एंटा एसिड का काम करता है। तो दिन में 2 अच्छी तरह से पके हुए केले अगर आप खाएंगे तो एसिड रिफ्लक्स में आपको रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से सोने से 2 घंटे पहले अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो ये भी एक नेचुरल एंटा एसिड का काम करता है। तो अगर आप सोने से 2 घंटे पहले एक एप्पल का सेवन कर लें तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में आराम आएगा। हर मील के बाद अगर आप आधा चम्मच सौंफ खा लेते हैं तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही जो हाई इन एसिड होते हैं, जैसे कि टमाटर है जिसमें काफ़ी सिट्रस एसिड है, इस तरह के खाने का सेवन ना करें आप। बहुत टाइट कपड़े ना पहने आप, बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहने आप, जिससे त्वचा को आपको ऑक्सीजन भी मिलती रहे। अब देखिए, ये तो मैंने कुछ तरीके आपको बताए, कुछ खाना बताया है जिसके खाने से, या कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं जिनको लेने से आपको एसिड रिफ्लक्स में रिलीफ मिलेगा। अब अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ रेमेडीज, वो रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।